Hello everyone, this is Tanuja Gupta. Welcome to my channel and today I am taking lymphocyte topic. See, जो immune system पूरा जो होता है वो बहुत तरह अलग अलग चीज़ों से बना होता है, जिसमें से एक type होता है lymphocytes, दूसरे lymphoid organ भी उसमें immune system में present होते हैं. इसके बाद next video में हम lymphoid organ के बारे में बात करेंगे. तो चलिए अब detail में हम देखते हैं कि lymphocytes में exactly ये होता क्या है. जब initially fetus का development होता है, during the embryonic development ये generate होना शुरू होती है, ठीक है. तो lymphocytes जो हैं ये they are produced from the lymphocyte stem cell, lymphocytic stem cells. ठीक है, इस lymphocytic stem cell से lymphocyte का एक पूरा group form होता है, जिसको हम बोलते हैं lymphoblast. ओके, ये lymphoblast का एक पूरा group है. ये कैसे produce होता है? These are produced through a process called the hematopoiesis. हीमेटोपोइसिस, इसको हीमोपोइसिस भी बोलते हैं एंड हीमेटोपोइसिस एनी थिंग, ठीक है, बोथ आर करेक्ट. हीमोपोइसिस भी हम बोल सकते हैं, ठीक है. तो ये प्रोसेस ध्यान रखना. हीमेटोपोइसिस क्या होता है? जिसके थ्रू ब्लड सेल्स बनती है, यानी कि लिम्फोसाइट्स बन रहे हैं, फाइन. तो इसके थ्रू लिम्फोब्लास्ट बना. अब लिम्फोब्लास्ट से अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस हो रहा है? लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है. ओके, बेसिकली लिम्फोसाइट्स कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? इट इज़ मेनली प्रोड्यूस इन बोन मैरो. ओके, यानी कि बोन मैरो में ही ये सारी क्या है, प्रोड्यूस होती है, फॉर्मेशन होता है, इनका डेवलपमेंट होता है और आगे इनका प्रोलीफरेशन, मैचुरेशन, एवरीथिंग इज डन ओवर हियर. नाउ लिम्फोसाइट्स में जो ये बोन मैरो में प्रेजेंट है, यहाँ पे अब दो तरह की लिम्फोसाइट्स होती है. एक्चुअल में तो मैं इसको यहाँ लिखती हूँ लिम्फोसाइट्स. अब इसमें से क्या होगी, कुछ लिम्फोसाइट्स तो कहाँ, इस बोन मैरो में ही रह जाती है, ठीक है, और कुछ लिम्फोसाइट्स क्या होती है, ट्रैवल करके एक दूसरे ऑर्गन में चली जाती है, विच इज व्हाट, विच इज थाइमस. क्लियर, ठीक है. जो बोन मैरो में लिम्फोसाइट्स रह जाती है उसको हम बोलते हैं बी लिम्फोसाइट. क्या बोलते हैं? बी लिम्फोसाइट्स. तो यहाँ पे ही इसका हो रहा है, ये मतलब एक तरह से ये एक स्कूल है जहाँ पर ही वो पैदा हो रहा है, बड़ा भी हो रहा है, सारी नॉलेज भी पा रहा है कि कैसे एक बाहर के एनिमी से मुझे फाइट करना है, किस तरह से मुझे उसके साथ फाइट करके आगे उसमें उसको किल करना है, वो सारी चीज़ें वो यहाँ पे सीखता है और यहीं पर वो मैच्योर होती है, ठीक है, फाइन. जबकि थाइमस में जो शिफ्ट हो जाती है उसको हम बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स. ओके, तो ये क्या हुआ, एक तरह से इसने क्या किया कि यहाँ पे ये घर में, मतलब घर है ये, इनका क्या है, एक तरह से घर है बोन मैरो का, ये तो घर, उसका घर भी यही है, सब कुछ यही है, ठीक है. बट यहाँ पे क्या हुआ, ये बोन मैरो में पैदा हुआ आगे, बट आगे मैच्योर होने के लिए वो दूसरे ऑर्गन में चला गया, थाइमस में, और वहाँ जाके वो सारी चीज़ें सीख रहा है कि मुझे अब ऐसे बाहर के एनिमी से कैसे फाइट करना है. अंडरस्टूड, ठीक है. जो ये बी लिम्फोसाइट्स होती है, ये क्या होती हैं, इनका शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है. क्या होता है? शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, बहुत ही फ्यू डेज के लिए फॉर्म होती है, वापस बनती रहती है, फॉर्म होती रहती है, ठीक है, इस तरह से किल होती रहती है, बनती रहती है. ओके, ये बी लिम्फोसाइट्स हैं, दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा सेल्स. ये क्या बनाती है? प्लाज्मा सेल्स बनाती हैं, और ये प्लाज्मा सेल ही अल्टीमेटली क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाती है, और जो एक्चुअल में एंटीजन से फाइट करता है वो क्या करता है? ये एंटीबॉडी ही फाइट करता है, ठीक है. तो हर एंटीजन के लिए एक अलग तरह की प्लाज्मा सेल बनती है, और उस प्लाज्मा सेल से एक डिफरेंट तरह का ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है. ये जिसमें से जो प्लाज्मा सेल जिसके लिए फाइट करती है, इसमें से कुछ प्लाज्मा सेल को स्टोर करके रख लेता है इम्यून सिस्टम, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी, मेमोरी प्लाज्मा सेल. ये क्या होता है, क्योंकि उसको पता है कि इससे अटैक करने के लिए मुझे किस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए. जब कभी यही सेम एंटीजन या पैथोजन दोबारा अटैक करता है तो वो इस मेमोरी सेल को यूज़ करके एक क्विक रिस्पॉन्स देती है और बीमारी को जनरेट ही नहीं होने देती बॉडी के अंदर, ठीक है. ये तो हुई बी लिम्फोसाइट्स की बात. अब इसमें क्या है, ये एक स्पेशल नाम दिया है कि बर्ड में ये बी लिम्फोसाइट जो है वो कहाँ फॉर्म होती है, एक स्पेशल तरह के ऑर्गन में प्रेजेंट होती है, टिश्यूज़ में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बर्सा ऑफ फैब्रिकस, ठीक है, ये ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट. ये कहाँ बर्ड में किस में प्रेजेंट होती है? बर्सा ऑफ फैब्रिकस में प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे ह्यूमन बीइंग में और अदर में कहाँ प्रेजेंट होती है? बोन मैरो में ही बनता है, ठीक है. बोन मैरो यानी कि देखो ये आपका बोन हो गया
ओके और इस बोन के अंदर यहाँ पे आपके बोन मैरो होता है जहाँ पर ही ये क्या प्रेजेंट होती है, बी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती है। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मेन तो टी लिम्फोसाइट्स के बारे में। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स के अगर मैं मेन पॉइंट करूँ कि ये क्या है, ये एंटीजन से रिएक्ट करती है। यहाँ पे टी लिम्फोसाइट चार तरह की होती है, फोर टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? टी हेल्पर, इसको टी एच के थ्रू भी डिनोट करते हैं, टी साइटोटॉक्सिक, ठीक है, टी सी के थ्रू डिनोट करते हैं, टी सप्रेसर, ओके, टी एस एंड टी मेमोरी विच इज डिनोटेड टी एम। अंडरस्टूड? ठीक है, चलिए अब वन बाय वन हम इसके बारे में बात करते हैं कि एग्जैक्टली ये होता क्या है और इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले हम बात करते हैं टी हेल्पर सेल की। पर जो सेल है ये क्या होती है, मेनली ये एंटीजन से रिएक्ट करने के लिए होती है, मतलब ये हेल्पिंग नेचर होता है। तो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? अराउंड 70% जो लिम्फोसाइट्स है, टी लिम्फोसाइट्स की मैं बात कर रही हूँ, 70% टी लिम्फोसाइट जो है वो किसका बना होता है? टी हेल्पर सेल का ही बना होता है। इसका फंक्शन क्या होता है कि दूसरी तरह की जो टी सेल्स है उनका प्रोलिफरेशन कराना, उनको ग्रो कराना, उनके नंबर्स बढ़ाना। ठीक है, फाइन। उसके बाद दूसरा फंक्शन क्या होता है कि ये क्या करता है, बी लिम्फोसाइट क्या करता है, बी लिम्फोसाइट्स पे उसको एक्टिवेट करता है। मतलब एक तरह से यहाँ पे जो बी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट ही बी लिम्फोसाइट को क्या करता है, एक्टिवेट करता है टू प्रोड्यूस मोर एंटीबॉडीज। क्लियर? ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करता है। थर्ड फंक्शन ये क्या परफॉर्म करता है, जो मैक्रोफाजेस होते हैं, जो क्या होते हैं, आपके फेगोसिटिक सेल होती है। कैसी होती है? फेगोसिटिक सेल। तो ये मैक्रोफाजेस को क्या करता है, जहाँ भी जिस साइट पे भी पैथोजन ने एंटर किया, जिस भी सेल को इन्फेक्ट किया। सी क्या होता है? बी लिम्फोसाइट है, बॉडी फ्लूइड का है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। एंड टी लिम्फोसाइट क्या है, किसी भी सेल को जब अटैक होता है तब वहाँ पे टी लिम्फोसाइट काम करती है। तो ये क्या है, जिस भी सेल पे अटैक हुआ है उस इन्फेक्शन साइट पे ये मैक्रोफाजेस को अट्रैक्ट करते हैं कि अब तुम सब यहाँ पर आओ और स्टार्ट ईटिंग इन दोज पैथोजन, उस सारे पैथोजन को खाना शुरू करो और उन्हें करना, फेगोसाइट करना शुरू करो। ठीक है, एंड द नेक्स्ट लास्ट इज वन बैक सिस्टम। ठीक है, कि जैसा भी जो भी इम्यून सिस्टम जनरेट हुआ उसका पूरा फीडबैक यही देता है। सी, अब ये सारे फंक्शन तो परफॉर्म करती है, पर ये किसकी वजह से परफॉर्म करती है? दे सीक्रेट अ सर्टेन काइंड ऑफ केमिकल विच इज कॉल्ड एज लिम्फोकाइंस। क्या बोलते हैं उसको? लिम्फोकाइंस को प्रोड्यूस करता है और यही क्या करता है, ये सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। समझ में आया? ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं हम टी साइटोटॉक्सिक सेल। सी, टी साइटोटॉक्सिक को हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम किलर सेल भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ही क्या होता है, अल्टीमेटली जो एंटीजन है उसके पास आता है, उसके साथ बाइंड होता है और चारों तरफ से क्या है, उस पर अटैक करता है और उसको किल कर देता है। ठीक है, जो भी इन्फेक्टेड सेल है। कैसे किल करता है? ये क्या सीक्रेट करता है? परफोरिन सीक्रेट करते हैं। क्या करते हैं? परफोरिन सीक्रेट करते हैं। ये परफोरिन क्या होते हैं? ये यहाँ पे बाइंड हो जाते हैं सरफेस पे एंटीजन के और उसमें बहुत सारे पोर्स क्रिएट कर देते हैं। और जैसे पोर्स क्रिएट होता है इसमें बहुत ज़्यादा वाटर इंटेक होने लगता है और बर्स्ट होके ये क्या होती है, एंटीजन जो पैथोजन है वो बर्स्ट हो जाता है और अल्टीमेटली किल हो जाता है। तो इस तरह से परफोरिन सीक्रेट करके सेल को किल करते हैं। सेकेंड, ये क्या करते हैं, साइटोकाइन भी सीक्रेट करते हैं। ठीक है, साइटोकाइंस भी सीक्रेट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, अदर नेबर सेल है उनको भी एक्टिवेट कर देते हैं कि बी प्रोटेक्टिव विद दीज काइंड ऑफ पैथोजन। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, दूसरे रोल पे परफॉर्म करते हैं। ये कैंसर सेल्स को भी किल करने का काम करती है, कैंसर सेल को ये। और क्या करते हैं कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, तो हमारा क्या होता है, ऑर्गन हम इजीली ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें क्या करते हैं, ये सेल ऑर्गन जो बाहर से आ रहा है उसको एज अ पैथोजन रिकग्नाइज करते हैं, तो उसके अगेंस्ट भी ये काम करना शुरू करता है। और जो टी हेल्पर सेल है, उसको क्या, HIV के केस में मेनली इन्फेक्शन किस पे होता है, टी हेल्पर सेल पे होता है। तो ये टी हेल्पर सेल जो इन्फेक्टेड है HIV से उसको भी किल करने का काम करती है ताकि HIV और ज़्यादा स्प्रेड ना हो और दूसरे सेल को भी इन्फेक्ट ना कर सके। ओके, मतलब कि क्या हुआ, ये एक तरह से सारा किलिंग का काम कर रही है, एंटीजन्स को किल करने का काम कर रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट बचता है हमारे पास, नेक्स्ट वाला, दैट इज़ वॉट,
टी सप्रेसर सेल, ठीक है। अब क्या हुआ, हेल्पर और साइटोटॉक्सिक सेल ने काम करना शुरू किया, पूरे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। पर अगर हमने इनको, ये बहुत ज़्यादा अगर गुस्से में आ गए और इनको कंट्रोल नहीं किया, तो क्या हुआ, ये खुद का भी नुकसान करना शुरू कर सकते हैं, ये खुद की इम्यून सेल्स पे भी अटैक करना शुरू करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर में हो जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है, टी सप्रेसर आता है, उसको थोड़ा सा काम डाउन करते हैं कि बी काम डाउन, अभी पैथोजन किल हो चुका है, यू जस्ट बी सप्रेस। तो ये क्या करता है, ये किनको सप्रेस करने का काम करता है, टी हेल्पर को एंड टी साइटोटॉक्सिक सेल, इनको हेल्पर को इनको सप्रेस करता है, यानी ओवरऑल इम्यून जो रिएक्टिविटी है, इम्यून रिस्पॉन्स है, उसको सप्रेस करता है कि अब काम हो चुका है, देन गेट स्लो डाउन। उसके बाद लास्ट होती है टी मेमोरी सेल, ठीक है। सी अभी क्या हुआ, इसने एंटीजन के साथ अटैक किया साइटोटॉक्सिस सेल ने और किल किया उसको, बट अब इस तरह की जो फाइटिंग है, इसका जो एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस वाली जो सेल्स हैं उसको क्या करते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं थोड़ी सी सेल को, कि आपने पहले एक्सपीरियंस कर चुके हैं इस तरह की फाइटिंग को, उसको स्टोर कर लेते हैं, उनको हम बोलते हैं टी मेमोरी सेल। तो नेक्स्ट टाइम जब कभी भी कोई एंटीजन यहाँ पे वापस अटैक करेगा, तो ये क्या करते हैं, उसमें से कुछ मेमोरी सेल को तो इस एंटीजन के साथ फाइट करने के लिए भेज देते हैं कि चलो आप तो अभी फिलहाल तो इनको संभालो, और कुछ को क्या करते हैं, कुछ मेमोरी सेल आकर वापस इन हेल्पर को सबको एक्टिवेट कर देता है कि ठीक है गेट एक्टिवेटेड, एज वेल बी सेल को भी, बी लिम्फोसाइट को, सबको एक्टिवेट कर देते हैं कुछ तो, और कुछ जब तक उस फ्रंट लाइन पे उनको संभाल के रखते हैं कि ठीक है अभी एनिमी से हमें फाइट करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये मेमोरी सेल है जो अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। सो दीज आर ऑल अबाउट दी टी एंड बी लिम्फोसाइट्स। ये क्या होते हैं, दे आर द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं या सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।